वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आता है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एंड सिमिलरिटी। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम रेजिड्यूज। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम रेजिड्यू आता है। एग्जैक्ट सेम रेजिड्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब आता है एग्जैक्ट सेम रेजिड्यू, एंड सिमिलरिटी का मतलब होता है सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर का मतलब इसमें नेचर सिमिलर हो सकता है, इट्स नॉट लाइक एग्जैक्ट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब अगर आर्जिनिन है तो उसका मैच आर्जिनिन से ही होना चाहिए। अगर सिमिलर का मतलब हो गया कि जैसे आर्जिनिन है तो ये लाइसिन से भी मैच हो सकता है और हिस्टिडीन से भी मैच हो सकता है। दैट इज व्हाट द सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी जो है वो आपका क्या है, आर्जिनिन का लाइसिन से भी हो सकता है और हिस्टिडीन से भी हो सकता है, ठीक है। सो सिमिलर नेचर के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी जो है वो आपका सेम होना चाहिए, नेचर जो है सेम होनी चाहिए। सो बेसिक अमीनो एसिड बेसिक हो सकता है, एसिडिक एसिडिक हो सकता है, बेसिक आपके बेसिक से आसपास हो सकते हैं। सो इस तरीके से हो सकता है, जैसे ए सिमिलर हो सकता है जी से, सी सिमिलर होता है टी और यू से, इस तरीके से चीजें मूव कर सकती है। नाउ मूव करेंगे पेप्टाइड के बारे में, जैसे सिमिलरिटी और आइडेंटिटी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करना, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपके परसेंटेज सिमिलरिटी और आइडेंटिटी देखना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। गेट का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक एग्जाम में आया हुआ गेट का है, ठीक है। यहाँ पे ए ए आर पी एन डब्ल्यू टी एफ टी के आई एम एस डी, ठीक है। ये दो पेप्टाइड सीक्वेंसेस है, इन दो पेप्टाइड सीक्वेंसेस में टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड है 15। फर्स्ट फाइंड द आइडेंटिकल अमीनो एसिड। व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द आइडेंटिकल, देखना ए ए से मिल रहा है, ए ए से मिल रहा है, आर आर से मिल रहा है, एन एन से मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिल रहा एफ एफ से, टी टी से, के से, आई आई से, एम एम से, टोटल मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिल रहे हैं जो कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल मैच है। और 15 था टोटल, तो 9/15 × 100, 9/15 × 100, दैट इज द 60% आइडेंटिटी। समझ में आई बात, द 60% आइडेंटिटी है यहाँ पे। नाउ अब देखने की कोशिश करना, दैट इज व्हाट पेप्टाइड नंबर टू। अब देखना कि ये था आइडेंटिकल, सिमिलरिटी में नेचर भी सिमिलर हो सकता है, सिमिलरिटी में नेचर भी सिमिलर हो सकता है। जितने आइडेंटिकल थे उतने तो सिमिलर होंगे ही होंगे, जितने आपके आइडेंटिकल थे उतने तो सिमिलर होंगे ही होंगे। उसके अलावा अब और कौन सा सिमिलर है देखना, क्या आर्जिनिन और स्पार्टिक सिमिलर होगा? नहीं, आर्जिनिन स्पार्टिक सिमिलर नहीं है, लेकिन ये ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन सिमिलर हो सकता है, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन सिमिलर हो सकता है। एक और मिल गया 10। क्या ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन सिमिलर हो सकता है? ये भी हो गया आपका 11, ठीक है। उसके बाद सेरीन और थियोनिन क्या सिमिलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी 12 हो गया। अब आर्जिनिन और सेरीन नहीं हो सकते, एंड स्पार्टेट एंड यहाँ पे ग्लूटामेट है, ये भी हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, स्पार्टेट और ग्लूटामेट सिमिलर हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है आपका, दैट इज व्हाट द फोर्थ वन हो सकता है, यस और नो? सो टोटल अगर आप बात करोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर बात करोगे सो दैट विज व्हाट, ये 13 आ जाएगा, टोटल आपका 13 आएगा एग्जैक्टली। 9 ऑलरेडी थे, 4 और जोड़ोगे तो 13/15 नियरली वो 80% के आसपास आएगा, नियरली जो होगा 80% के आसपास आएगा। इज इट क्लियर? इन्होंने जो एग्जाम्पल में 12 कंसीडर किया हुआ था, लेकिन 13 आएगा इस क्वेश्चन के आंसर में। सो एक चीज हमेशा याद रखना, वो चीज क्या याद रखना कि यहां पे बता दो कि सिमिलरिटी, ठीक है, जो आपकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू सिमिलरिटी, उससे लेसर, ठीक है। सिमिलरिटी परसेंटेज से आइडेंटिटी हमेशा कम ही हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आइडेंटिटी परसेंट हमेशा सिमिलरिटी से कम होगा, ये याद रखिएगा ना, क्योंकि आइडेंटिकल इज लाइक ऐसा है, आइडेंटिकल कंडीशन कम होगा क्योंकि सिमिलरिटी में और चीजें बढ़ेंगे ही,
कम नहीं होगा, ठीक है जी। सो आइडेंटिकल हमेशा आइडेंटिटी परसेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सिमिलरिटी। नाउ कुछ होमोलॉजी आपके बारे में बात करते हैं। होमोलॉजी इट रिफर्स द रिजेंबलेंस टू द सिमिलरिटी बिटवीन टू सिक्वेंसेस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स बीइंग द कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगस का मतलब अगर दो सिक्वेंसेस किसी पर्टिकुलर दो ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है तो इसका हम बता सकते हैं कि वो दोनों किसी न किसी एंसेस्टर से जुड़े हुए थे, ठीक है। होमोलॉगस, लॉगस का मतलब ओरिजिन होता है, होमो का मतलब सेम, दैट इज व्हाट द सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन होता है। होमोलॉगस के बारे में अगर मैं बात करूं, इसको डिवाइड करेंगे, सो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और लॉगस का मतलब होता है, लॉगस का मतलब होता है ओरिजिन, लॉगस का मतलब होता है ओरिजिन। होमो का मतलब सेम, लॉगस का मतलब होता है ओरिजिन। टू सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए कैन हैव शेयर्ड एंसेस्टर दैट बिकॉज ऑफ आइदर स्पेसिएशन इवेंट और अ डुप्लीकेशन इवेंट, ठीक है। वो स्पेसिएशन या डुप्लीकेशन इवेंट से शेयर कर सकते हैं। और डुप्लीकेशन क्या होता है, दैट टू जीन्स आर ऑर्थोलॉगस इफ डाइवर्जेस आफ्टर द स्पेसिएशन इवेंट एंड पैरालॉगस आफ्टर द डुप्लीकेशन इवेंट। व्हाट इज स्पेसिएशन एंड डुप्लीकेशन समझना, ठीक है। स्पेसिएशन और डुप्लीकेशन सब क्या होता है, देखना कि यहाँ पे एक एंसेस्टर है, यहाँ पे क्या है, एक एंसेस्टर है। इस पर्टिकुलर एंसेस्टर के बारे में जब बात करूं तो ये यहां से क्या हुआ, स्पेसिएशन हुआ है। ये क्या हुआ है, स्पेसिएशन हुआ है। जब स्पेसिएशन हुआ है तो ये कन्वर्ट हुआ है एक रैट में और एक माउस में। तो स्पेसिएशन जब हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, रैट और माउस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अगर स्पेसिएशन हुआ है तो रैट एंड माउस, रैट एंड माउस आर व्हाट, ऑर्थोलॉगस, ऑर्थोलॉगस। अगर स्पेसिएशन हुआ है तो ऑर्थोलॉगस होगा, ठीक है। चलो कल्याणी को समझ में आ रहा है, बाकी लोग के सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अब देखना, स्पेसिएशन का मतलब किसी भी एंसेस्टर का दो स्पीसीज में टूट जाना, बट जाना या डिवाइड हो जाना, स्पेसिएशन, स्पीसीज का बनना, दो स्पीसीज का बनना। अब होता है डुप्लीकेशन, जब एक ही स्पीसीज के अंदर कोई जीन डुप्लीकेट होके दो अलग अलग, देखना रैट जीन वन एंड रैट जीन टू, तो रैट जीन वन और रैट जीन टू या माउस जीन वन माउस जीन टू, जो कि स्टार जो है वो डुप्लीकेशन शो करा, यानी ये क्या है, ये आपके पैरालॉगस है, पैरालॉगस, ठीक है। चलो सो ये अब बात करते हैं कि जब कोई सिमिलैरिटी की बात करता हूं, जब कोई सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं, सो एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम कब उनकी होमोलॉजी मॉडलिंग कर सकते हैं। करने के लिए सिमिलैरिटी 25% से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी जो होनी चाहिए 25% से ज्यादा होनी चाहिए। सिमिलैरिटी मतलब होमोलॉगस थिंग, उसी को बोलते हैं सेफ होमोलॉजी मॉडलिंग जोन। अगर 25% से कम है, अगर 25% से कम है तो वो आपका सेफ जोन नहीं माना जाता, उस जोन को बोलते हैं ट्विलाइट जोन। सेफ होमोलॉजी जोन जो होता है, सेफ होमोलॉजी या सेम होमोलॉजी जोन में अगर कोई भी प्रोटीन आता है जिसमें होमोलॉजी 25% से ज्यादा है तो हम उनको स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक नोन प्रोटीन से अननोन प्रोटीन का। और अगर ट्विलाइट जोन में आता है तो हम प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं होता, फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखना कुछ पैटर्न, जैसे अभी मैंने बताया था पैटर्न डेटाबेस का नाम याद है, प्रोटीन के पैटर्न डेटाबेस का नाम अभी मैंने बताया था। एक डेटाबेस होता है पैटर्न का जिसको बोलते हैं प्रोसाइट, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। जी बिल्कुल, प्रोसाइट डिस्कस किया था। इट डिस्क्राइब्स द एनी शॉर्ट कंटिजेंस स्ट्रेच ऑफ द प्रोटीन और डीएनए यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। देखना कि इसमें कुछ नोमेनक्लेचर होता है जिसमें क्या क्या किया जाता है, ठीक है। अगर ये कर्ली ब्रैकेट है तो इसका मतलब होता है एनी अमीनो एसिड एक्सेप्ट दोज विच इज प्रेजेंट इन द ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट में अगर मान लो ए प्रेजेंट है तो ए को छोड़ के कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, इसका ये मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट का, कि जो इसमें प्रेजेंट है इसको छोड़ के कोई भी हो सकता है, दैट इज व्हाट द कर्ली ब्रैकेट। ये आपका डैश होता है, इसका मतलब होता है सेपरेटर, इसका मतलब होता है सेपरेटर। उसके बाद बात करते हैं एक्स, अगर कभी एक्स लिखा हुआ तो इसका मतलब कोई भी एनी अमीनो एसिड, दैट इज व्हाट द एनी अमीनो एसिड या एनी अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद अगर ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब है एनी वन फ्रॉम ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि जो ब्रैकेट में प्रेजेंट है इसी में से कोई एक हो सकता है। अगर वो आपका स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, दो बार, तीन बार, चार बार, इसमें दो या तीन, इस तरीके से लिखा रहता है।
एन का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब अगर ये दो लिखा है तो ये हो जाएगा दो बार रिपीटेशन, अगर तीन लिखा है तो तीन बार रिपीटेशन, और अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम लेना है तो एम और एन होता है कॉमा लगा के, मिनिमम एम टाइम्स एंड मैक्सिमम एन टाइम्स रिपीटेशन है। स्टार्ट के लिए आपका ये सिक्वेंस यूज होता है और एंड के लिए ये वाला यूज होता है, लेस देन दैट इज व्हाट द लेस देन सिंबल फॉर द स्टार्ट एंड ग्रेटर देन फॉर द एंड। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखना डी ए डी वाई डी एल डी एस डी वाई डी एम डी एस ऐसे करके है यहाँ पे, अब देखना कि कैसे बनता है। ये पूरा का पूरा इस पहली जगह पे सिर्फ डी आ रहा है, पहली जगह पे सिर्फ डी आ रहा है, तो इसमें कुछ लगाने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ आप सीधे सीधे डी लिख दोगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरी जगह पे कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? ए एल वाई एस टी एच कुछ भी नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो आपने क्या लिख दिया? एक्स अमीनो एसिड, एक्स का मतलब है एनी अमीनो एसिड, समझ में आया। उसके बाद तीसरे पैटर्न पे देखो डी ई डी ई डी ई आ रहा है, तो इसमें या तो डी या तो ई आ रहा है, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में डी और ई लिख सकते हो कि या तो डी होगा या तो ई होगा, एक बार में एक ही होगा। और फोर्थ पोजीशन पे आप देखोगे तो इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, दैट इज व्हाट एक्स। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा डी डैश एक्स डैश डी ई स्क्वायर ब्रैकेट में डैश एक्स। समझ में आया कैसे पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, ये मीनिंग्स याद रखना इस पैटर्न के बारे में किसका क्या करते हैं। ठीक है जी, सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।